तो फाइनली आजमगढ़ स्टेशन पहुंचने के बाद अब मुझे देखना था कि मैं अपने रिटायरिंग रूम के लिए कहाँ जाना है और क्या करना है। तो मैं गया इंक्वायरी काउंटर पर, उन्होंने मुझे बताया कि जो आपने बुकिंग की है सबसे पहले जाके उसका प्रिंटआउट लेके आई है। तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल उसका प्रिंटआउट लेने, और मिलता हूँ आपको सीधे इंक्वायरी काउंटर पर। रिटायरिंग रूम के लिए आपको प्रिंटआउट लेना जरूरी है, जो आपको कंफर्मेशन मेल आती है उसका प्रिंटआउट लीजिए और इंक्वायरी काउंटर पे आइए, वहाँ पर आपको जमा कराना है। देन अभी मैं भी खड़ा हूँ, डॉक्यूमेंट लिया उन्होंने, वो शायद अंदर प्रोसेसिंग का कुछ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। देन चलते अपने डोमेट्री रूम में, जिसको हम रिटायरिंग रूम भी कहते हैं इन रेलवे लैंग्वेज, रिटायरिंग रूम और वैसे डोमेट्री, देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी वहाँ तक पहुँचने में। बुकिंग एक्सेप्ट हो गई है, फिलहाल मैं जा रहा हूँ एंट्रेंस के पास जहाँ डोमेट्री की रूम्स हैं, तो उन्होंने बोला है वहाँ पर आप वेट कीजिए, हम वहीं पर आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो रेडी है आप सब डोमेट्री रूम देखने के लिए कैसा होता है ये देखिए। क्योंकि मैं अकेला था, मैंने सिंगल बेड किया था, तो यहाँ पर वो चद्दर वगैरह सब कुछ लगा के गए हैं। यहाँ पर एक बेड और है, ऊपर वो एसी भी लगा हुआ है, काफी बड़े रूम है, ये देखिए इधर ड्रेसिंग टेबल भी है, साथ ही साथ ये छोटे जैसे आप कह सकते हैं ना बेड साइड टेबल होता है, तो वो भी है। एक चेयर यहाँ पर है, एक चेयर वहां पर है, वो एक अलमीरा भी है अगर आपको कपड़े वगैरह रखने हैं। फिलहाल मैं तो बस अपना एक छोटू सा बैग लेके आया था, आपको दिखाता हूँ वॉशरूम भी, वॉशरूम कितना साफ सुथरा है और कितना स्पेशियस है। तो ये आपका एरिया है पूरा जो कि खाली है, ये आपका इंडियन टॉयलेट साफ सुथरा है पूरा, आई थिंक फ्लश नहीं चल रहा है, मैंने चेक भी नहीं किया अभी। यहाँ पर अगर हाथ मुंह धोना है, और इधर ये शीशा भी लगा हुआ है, और ये रहा मैं, और ये अगर आप देखेंगे तो ये नहाने की भी पूरी व्यवस्था है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, मुझे ये डील बहुत ही सही लगी भाई, हमारे लिए है, यूज कीजिए, और क्या कहते हैं अपनी ही प्रॉपर्टी है खुद की, अपने देश की धरोहर है एक तरीके से, कि अगर आप कहीं स्टेशन पे हैं आपको दो चार घंटे के लिए रुकना है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको दिखाया पीछे की वेटिंग हॉल भी है, लेकिन अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं बकायदा ढंग से, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन, मेरे को टोटली वर्थ लगा। तो मैं फटाफट नहा लेता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, सोऊंगा, खाना पीना देखते हैं, खाना पीना वैसे तो भी खाना पीना जब ट्रेन का निकलने का टाइम होगा उस टाइम पर मैं बाहर जाके कुछ खा लूंगा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार जगह है बाय गॉड। आपको आप भी कभी आए तो ये सर्विस जरूर लीजिएगा, मैं आपको अभी कुछ देर में पूरा का पूरा बताता हूँ कि आपको कैसे बुक करना होता है। फटाफट पहले नहा लेते हैं। तो फ्रेश होने के बाद नहा धो लिया हूँ मैं बिल्कुल, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ बाहर कुछ खाने के लिए, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। हालांकि मेरा होम टाउन जो है यानी कि दादी का घर, वो यहाँ से ज़्यादा दूरी पर है नहीं, फिर भी 60 किलोमीटर है तो काफ़ी दूरी पर है, तो मुझे यहाँ के बारे में पता है कि हाँ यहाँ पर खाना क्या मिल सकता है, कितने का मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है खाने को और आपको भी दिखाते हैं। हालांकि आजमगढ़ में कुछ ऐसी खास जगह है भी नहीं घूमने को, क्योंकि यार बचपन से हम रहे हैं तो हमें इतना तो पता है कि भाई इतना कुछ खास नहीं है घूमने को, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। आपके पास में एक ढाबा मिल गया बिल्कुल, और ढाबे में मैंने ऑर्डर किया है थाली के हिसाब से, मैंने एक प्लेट थाली ऑर्डर की है जिसमें आलू मटर की सब्जी, दाल, रोटी और शायद और कुछ, जैसे थाली आती है दिखाता हूँ आपको इसमें क्या है। ये हमारी थाली जिसके अंदर है दाल, आलू मटर की सब्जी, दो रोटी, पालक और प्याज, शायद चावल भी आएगा या रोटी और भी आएगी, देखते हैं क्या मिलता है खाने को और यहाँ पे। तब अगर बात की जाए 60 रुपए, 60 रुपए खाना जो है बिल्कुल वर्थ। तो खाना पीना खाने के बाद मैं वापस आ गया हूँ अपने डोमेट्री में, अभी आपने देखा कि पीछे मैं जहाँ खाने के लिए गया था, एक्चुअली पर्सन आए थे रेलवे से ही, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पे खाना आपको मिल सकता है, मुझे लगा कि खाना अंदर ही मिलेगा, नहीं, उनका कहने का मतलब कि बाहर आप जाके खाना खा सकते हो। 60 रुपये का था, उसमें दो सब्जियाँ थी, एक पालक की, एक आलू मटर और दाल थी, चावल था, 4 रोटी थी और सैलेड था। तो हालांकि मैंने चावल नहीं लिया, मैंने 2 रोटी एक्स्ट्रा करवा ली, तो मेरे को टोटल 6 रोटी दी उन्होंने 60 रुपये में, जो कि टोटली वर्थ था। तो आ जाते हैं कि ये मैंने बुक कैसे किया और क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसको बुक करने के लिए।
तो जब आपको बुक करना है तो इसके लिए सबसे पहले कि आपको IRCTC की ऐप से अपना टिकट बुक करना है, देन आपकी जब टिकट कंफर्म होगी या फिर RAC होगी तब आप, ये भी AC में है, AC में हो किसी में भी हो, कंफर्म होगी तब आपको क्या मिलेगा, हाँ सॉरी, तब आपको डोमेट्री के लिए आप बुक कर सकते हैं, ये इसकी कंडीशन है। और इसमें चाहिए क्या, आपको IRCTC के जो आपको टिकट आता है उस टिकट पे ही एक ऑप्शन होता है रिटायरिंग रूम, तो रिटायरिंग रूम आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डेस्टिनेशन होगा या सोर्स स्टेशन जो होगा वहां पर आपको डोमेट्री मिल सकती है, तो आप वहां से बुकिंग कर सकते हैं। और जो भी डिटेल्स आपकी चाहिए होगी, नॉर्मली आपका आधार कार्ड चाहिए होता है या कोई भी एक ID, तो मैंने आधार कार्ड कैरी कर रखा था साथ में, तो मैंने आधार कार्ड डाला और उसके बाद आपने प्रोसेस देखा कि उसका मैंने प्रिंट आउट लिया और यहाँ पर जमा कराया, उन्होंने मुझे डोमेट्री दे दिया, मैं मस्त नहा धो के अब खाना भी खा चुका हूँ और अब यहाँ पर मैं सोने वाला हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन को अभी है लगभग 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे तो नहीं लेकिन 2 घंटे मैं यहाँ पे रेस्ट करूंगा एंड देन अपनी ट्रेन पकड़ूंगा और वापस बैक टू दिल्ली। तो ऐसा था कुछ मेरा सफर अब तक का यहाँ का, ये डोमेट्री का, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। इन्होंने मुझे चाबी भी दे दी, हालांकि चाबी देते नहीं है, इन्होंने बोला कि सर इतने बुक है नहीं अभी, तो आप ऐसा कीजिए आप चाबी ले लीजिए, आप बाहर खाना खाने जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो लॉक कर दीजिएगा रूम, और जब वापस आएंगे तब आप वापस ये चाबी हमको दे के आप जा सकते हैं। तो डोमेट्री की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर मैं चाबी देने गया उनसे थोड़ी भी कुछ वार्तालाप हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लव द लेसन्स, लव यू ऑल। तो ये लो जी, मेरा सफ़र शुरू हो गया वापस दिल्ली की तरफ, जिसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला था और आपके साथ शेयर करने वाला था अपना एक्सपीरियंस, लेकिन आप ये भीड़ देख रहे हो। जी हाँ, ये कोई जनरल डब्बा नहीं है, ये स्लीपर क्लास है। और स्लीपर क्लास में ऐसा हाल हो रखा था कि अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो आपको सोचना पड़ेगा। इवन मैं भी काफ़ी देर तक रोक के बैठा हुआ था, और ये हाल शुरू हुआ शाहगंज स्टेशन से और जाकर ख़त्म हुआ दिल्ली पर।